भाई साहब ये रोड नहीं बवासीर है, कौन है प्रधान भाई यहाँ का बनवाया करो रोड उठ पहाड़ों में भी रोड बनना चाहिए भाई लोग। ऊपर में क्या हो गया, कुछ कुछ तो हो गया है भाई, उधर नहीं रहा, उधर देख सकते हैं लाइट दिख रहा है। क्या हो गया, कोई दिक्कत है? आराम से आराम से जाएंगे, साथ ही में जाएंगे भाई, अंधेरा है कहाँ जाएगा, देख सकते हैं इधर कुछ दिख ही नहीं रहा। क्या हो गया था, गिर गया था कौन? अरे आरस गिर गया था कि आरस गिर गया था। मामू वहीं सामने पे खड़ा कर दे। हाँ वहीं पे खड़ा, वहीं पे वहीं पे इधर ही पे खड़ा कर दे, इधर सामने में लेफ्ट में। हाँ यहीं पे, यहीं पे खड़ा कर दे साइड पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर में ओके। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड गाइस आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस, मैं भी अच्छा हूँ, बिंदास मजे में गाइस। तो आज का जो ब्लॉग था, वो जो थर्ड ब्लॉग आने वाला है पारसनाथ का गाइस, वो थर्ड ब्लॉग मतलब पूरा पूरा नाइट पे ही है, बिकॉज हम लोग को नाइट पे आने में क्या दिक्कत हुई सारा कुछ उसमें दिया हुआ है, और कहाँ पे रुकें कहाँ पे नहीं सारा कुछ गाइस इसमें पूरा डिटेल्स में है। तो आप लोग ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको भी समझ में आए कि वहाँ जाएंगे अगर तो क्या क्या परेशानी हो सकती है, क्या क्या नहीं। और नाइट के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था, तो सारा कुछ ब्लॉग में है गाइस। तो आप लोग ब्लॉग को देखिएगा पूरा कंटिन्यू। रात का ऊपर से अभी जस्ट आधा किलोमीटर उतरे हैं, और अभी भाई ये रोड जो है ना, स्टार्ट करो लाइट स्टार्ट करो, जरा दिखाते हैं रोड यहाँ का भाई। ये मिनी लद्दाख से कम नहीं है, देख सकते हैं गाइस, और हम लोग फंसे हुए सब, ये मिनी लद्दाख से भी कम नहीं है। और अभी हम लोग को उतरते उतरते हालत ख़राब होने वाला, पिछवाड़ा में दर्द होने वाला एकदम गाइस, और सब गाड़ी का एकदम क्या ही बताएंगे। एक बाइक था, उसका जो टायर जो था वो गाइस पूरा रिमी बैंड हो गया। आराम से चलो, आराम से चलो, ये मिनी लद्दाख से कम नहीं है भाई साहब। थट के चार हो जा रहा है भाई, स्टार्ट तो होगा ना, किस्मत सही है स्टार्ट हो गया। अब भाई साहब आराम से उतारो भाई, यहाँ आ गए फंस गए हैं एकदम, मिनी लद्दाख से कम नहीं है हम लोग का ये। और हम लोग सिक्किम अगर जाना चाहता है कोई भाई, तो उससे पहले अगर इधर का बंदा है तो पारसनाथ ज़रूर आओ, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा सिक्किम जाने का, और उसके बाद आराम से निकल लेना भाई हल्के से। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो गाइस बहुत दिक्कत का सामना करते हुए हम लोग नीचे जा रहे हैं, और भाई इसके बाद थोड़ी ही देर में अंधेरा हो ही चुका है ऑलमोस्ट, कुछ दिख नहीं रहा, आप लोग को दिख ही रहा होगा आगे साइड पूरा एकदम, बाइक को धक्का मार मार के आगे दिखाएंगे, पूरा धक्का मारना होगा गाइस। तो गाइस देख सकते हैं अभी गाड़ी का हालत कुछ ऐसा हो गया, और भांजा चला रहा आरएस, आरएस अभी ठीक है फिलहाल, आरएस अभी फ़िलहाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट इधर देख सकते हैं भाई टायर की ऐसी की तैसी हो रखी है, पूरा एकदम न्यू टायर एकदम, क्या बोले। और बाइक की तो भाई क्या ही बोल सकते हैं, एकदम खतरनाक वाला, ये मड फ्लेप निकाल के एकदम जो हुआ है सो क्या ही बता सकते हैं। और भाई लोग ऊपर में क्या हो गया है, कुछ कुछ तो हो गया है भाई, उधर नहीं रहा, उधर देख सकते हैं लाइट दिख रहा है। क्या हो गया, कोई दिक्कत है? आराम से आओ, आराम से, कोई दिक्कत होगा तो फोन करो यार। तो भाई आ रहा है सब कोई नहीं, सब बंदा नीचे चल चुका है, बट हम लोग लेट से आए तो लेट से हम लोग पाँच छः बंदा है छः। और भाई गाड़ी का हालत तो आप लोग देख ही सकते हैं, और अंधेरा में भाई ओ हो सिक्किम का मज़ा ले रहे हैं हम लोग। तो गाइस अभी आ रहा, देख सकते हैं उधर। क्या हो गया था, गिर गया था कौन? अरे आरस गिर गया था कि आरस गिर गया था, ठीक है ना, कुछ दिक्कत नहीं ना। ओ चलो आराम से चला रहा, आराम से चलो, गाड़ी को न्यूट्रल पे डाल दो, एकदम न्यूट्रल पे डाल दो, और जो ये सवारी है तो तुम लोग का नहीं, हम लोग वाला तो न्यूट्रल में चल जाएगा, ठीक है। आराम से आओ, एकदम नीचे उतर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
मेरे रहते हुए टेंशन मतलब शिकारी है भाई। कुछ गिरा ना का? अरे जो उसका नीचे वाला जो बस का है ना, वो जो साइलेंसर का, वो सट जाता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो आराम से चलो ना नीचे, देख लेंगे। अभी ज़्यादा रात हो जाएगा तो भी दिक्कत है, जानवर उनवर निकल जाएगा तो बड़ा दिक्कत होने वाला है। जानवर उनवर निकल जाएगा तो भाई बहुत ही दिक्कत होने वाला है। अभी तो फिलहाल आराम से चल रहे हैं और अभी भी 7-8 किलोमीटर नीचे जाना होगा। और रोड का तो ऐसी की तैसी है भाई, क्या ही बताएं। आके एकदम मज़ा है, यही तो ज़िंदगी में चाहिए, और क्या चाहिए, यही मांगता है बस अपने लाइफ में। इन्जॉय होना चाहिए जीवन में भाई, चाहे गिर पड़ के या कुछ भी हो, इन्जॉय होना चाहिए, इन्जॉय रुकना नहीं चाहिए। और भाई साहब ये रोड नहीं बवासीर है, कौन है प्रधान भाई यहाँ का, बनवाया करो रोड उड। पहाड़ों में भी रोड बनना चाहिए, यहाँ थार चढ़ जाता, बट थार के लिए शुरू से चढ़ने का स्पेस नहीं था, अदरवाइज यहाँ थार तो भाई आराम से चढ़ सकती है, आराम से, कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा थार को चढ़ने के लिए। भाई ये बाइक के लिए तो बवासीर है ये रोड, लाना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि ऑफ रोड वाला बाइक लेके आना पड़ेगा, एक्सपल्स वगैरह, उतना हाई लेवल का तो बाइक है नहीं। एक्सपल्स इधर उधर से मिल जाएगा, मतलब ख़रीदना पड़ेगा, मिलेगा क्या एक्सपल्स? और भाई ख़तरनाक है, जो भी बंदा सिक्किम जाना चाहता है, ऑफ रोडिंग करना चाहता है भाई, इधर आ जाए एक बार, उसके बाद तो फिर मज़े ही मज़े हैं। इससे ज़्यादा तो रोड बदतर हो ही नहीं सकता है कि इधर, यहाँ भाई डबल कोई जा ही नहीं सकता है, सिंगल जाना है एकदम खतरे से खाली है, डबल का तो बात ही नहीं है। और जहाँ साइड में हुए ना भाई साहब, देख सकते हैं नीचे डाउन है एकदम, नीचे गुड़क जाएंगे पूरा भाई। भाई इतना डेंजर है कि पकड़ना पड़ेगा, बिना पकड़ने से तो फाइनली गाड़ी पार हो गया भाई, धक्का देके फिर पार करना पड़ रहा, बड़ा दिक्कत हो गया है। और ज़्यादा दूर नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर होगा, बट कोई नहीं, जाना तो पड़ेगा, जब आए हैं तो जाना तो पड़ेगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए जाना तो पड़ेगा। बहुत दिक्कत है भाई, रात को ऑफ रोडिंग हो रहा है, रात को तो सब रूम में जाकर सोता है, बट हम लोग ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। चांद चांद निकल गया, और हम लोग रात को अभी देख सकते हैं नीचे उतर चुके हैं फाइनली। यहाँ से और 1.5 किलोमीटर होगा हमको लग रहा है, अभी तक तो पहाड़ से हम लोग नीचे उतर चुके हैं, देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 बाइक है अभी फ़िलहाल, और अभी नीचे उतर चुके हैं। तो इसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहाड़ का ऊपर ही जो था दिक्कत था, अब यहाँ तो रोड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत ही पहुँच जाएंगे। और भाई बहुत ही दिक्कत हुआ, बट चलते हैं नीचे, दिखाते हैं रूम वूम कैसा है, हम लोग का रूम वूम कहाँ पे लिए हैं, सारा कुछ दिखाएंगे। मज़ा आया चलाने में? फाइनली बहुत मशक्क़त के बाद हम लोग नीचे उतर चुके हैं भाई, इतना डेंजर चला है ना बाइक, क्या ही बताएं। बहुत देर के बाद हम लोग नीचे उतर चुके हैं फाइनली, और यहाँ से देख सकते हैं नीचे का नज़ारा। और बहुत देर के बाद भाई, लगभग 1-1.5 घंटा लगा हम लोग को उतरने में, नीचे उतरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और भाई मौज ही मौज है, पहाड़ का राइडिंग एक अलग लेवल का राइडिंग होता है, इधर पूरा एकदम। और सामने बहुत ज़्यादा मंदिर है, आप लोग को तो दिखाते हैं, देखे ही हैं जब पहला ब्लॉग में कितना ज़्यादा मंदिर था, और अभी भी मंदिर है बहुत ज़्यादा भाई। कान से पूरा एकदम, कान भी पूरा ही हो गया भाई। यहाँ का मार्केट देख सकते हैं, नाइट को बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, अभी आएंगे गाइस देखने के लिए, अभी बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है नाइट के टाइम।
प्रश्नाथ का, मधुबन का। और मेरा ड्रेस वगैरह किधर है वो देखना पड़ेगा भाई, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कि होटल कहाँ पे है अभी भाई। शाम इवनिंग के टाइम में सब घूमने के लिए आया हुआ। और भाई बैटरी डेड हो गया क्या, पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ। को लग रहा आगे से होगा, यहीं पे अपार्टमेंट है वहीं पे हम लोग रुकेंगे। गाइस पहुँच चुके हैं हम लोग जहाँ पे रहते थे वहीं पे, आज फिर से वहीं पे रुकेंगे। अभी सारा बाइक इधर है और अभी 5-7 बाइक उधर ही है बाहर में है। अभी देखते हैं स्पेस होता है कि नहीं होता है। अभी फ़िलहाल तो भाई मेरे बाइक कीचड़ में पूरा एकदम, चेन वगैरह सब सही है कि नहीं देखते, पूरा एकदम मड फ्लिप लगा हुआ है। चेन बहुत ज़्यादा लूज हो गया भाई, हमको लग ही रहा था कि चेन बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल तो इस साइड पे सारा बाइक सब इधर है और अभी और भी बंदा आ रहा बाहर पे है, वो लोग भी आएगा भाई। बहुत ज़्यादा सर एकदम फटा जा रहा है। इधर आ जाओ, उधर भी वहीं से वेट कर रहा, सर एकदम फटा जा रहा भाई, बहुत ज़्यादा सर में दर्द कर रहा है। देखते हैं, सारा का सारा बाइक तो इधर लगा हुआ है बट डमी का नहीं दिख रहा, और मतलब 7-8 बाइक नहीं दिख रहा, आगे होगा देखते हैं। वहीं सामने पे खड़ा कर दे, हाँ वहीं पे खड़ा, वहीं पे इधर ही पे खड़ा कर दे, इधर सामने में लेफ्ट में, हाँ यहीं पे खड़ा कर दे साइड पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बाहर में ओके मैं बोल दे रहा हूँ, उधर ही लगा ले, साइड पे लगा ले, यहाँ पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे सीसीटीवी है कोई दिक्कत नहीं, इधर पे लगा लो, वहीं पे लगा दो और नीचे पे लगाओ। कोई दिक्कत नहीं है, लगा ले साइड से, यहाँ पे भी लगा लो, ओके। बाहर कोई दिक्कत नहीं ना है, ओके। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, अब यहाँ पे रुकेंगे, देखते हैं पूरा फ्रेश होंगे। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं आरएस पे खाना खाने के, खाना के तलाश में और होटल की तलाश में निकल चुके हैं। और इधर रहा मार्केट, इस साइड पे है मार्केट, देख सकते हो उधर मार्केट है, और इधर हम लोग होटल के लिए जा रहे हैं। हम और भांजा है, भांजा बाइक चला रहा आरएस, और आरएस भी लेकर के आए हैं और आर1 भी लेकर के आए हैं, दोनों लेकर के आए हैं। तो आरएस भांजा लेकर आए हैं और हम आर1 लेकर आए हैं, दोनों ही पूरा एकदम फाड़ू राइड किए हैं, काफ़ी मज़ा आया गाइस। और अभी जा रहे हैं हम लोग खाना के तलाश में। और भाई साहब यहाँ का लोकेशन देख सकते हैं, नाइट को नाइट का नज़ारा पारसनाथ का बहुत ही खतरनाक, मतलब बहुत ही अच्छा है खतरनाक। हम जब भी खतरनाक बोलेंगे गाइस तो आप लोग समझ लीजिएगा बहुत ही अच्छा है। अभी नाइट का व्यू कुछ ऐसा है और अभी मॉर्निंग को दिखाएंगे गाइस, बहुत ज़बरदस्त वाला सब कुछ एकदम। और फिलहाल तो गाइस बाय बाय।